जय माता दी आप सभी को। अभी आप सभी को बोलने में मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैं बोलूं या ना बोलूं। लोग कमेंट करते हैं, कमेंट में अपने अपने दुखों को शेयर करते हैं और बताते हैं कि मेरा काम कर दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो किसी ने बोला कि आप तो बगैर पैसे के करते नहीं हो। तो मतलब ये YouTube के ऊपर, सोशल साइटों के ऊपर ये कंटिन्यू ये जो है लैंग्वेज आते रहती है, कमेंट आते रहते हैं, लोग कुछ ना कुछ ऊटपटांग बातें बोलते रहते हैं। तो मुझे आज खड़े शब्द में, खड़ा शब्द और खरा शब्द में, कठोर शब्द में बोलना पड़ रहा है कि फ्री सेवा बिल्कुल बंद कर दिया है, फ्री सेवा बिल्कुल बंद कर दिया है, अब मैं फ्री सेवा नहीं करता। ठीक है, फ्री सेवा करने के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि दिनेश्वर महाराज के ऊपर उपकार करते हैं लोग, है ना, दिनेश्वर महाराज के ऊपर उपकार करते हैं और दिनेश्वर महाराज को मतलब कि जब चाहो जब फोन करके अपना काम करा लो, है ना। इसी प्रकार की कई घटना है मेरे पास, बहुत सारे ऐसे घटना है, आप बिलीव नहीं मानोगे। उस घटना के बाद मैं समझ गया कि अब मुझे फ्री काम करना है या नहीं करना है, ये मुझे पहले तय करना पड़ेगा। मैं जहां पे रहता हूं ना, इसी इर्द गिर्द में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनके खुद के घर हैं, और घर की कीमत कितनी होगी आप लोग सुनेंगे तो शायद दंग रह जाएंगे। उनके घर की कीमत किसी की 50 लाख का होगा, किसी का 70 लाख का होगा, कोई 90 लाख का घर होगा। दो दो लड़के हैं, अच्छे खासे जॉब करने वाले लड़के हैं, और कोई तो चलो ठीक है उनके दुकान डलिया सब है, लेकिन ये फिर भी गरीब बन के आते हैं मेरे पास। इनके ऊपर से बड़े बड़े तंत्र उड़ाए मैंने, शमशान से लेके मशान तक तंत्र निकाला मैंने, पर ये लोग क्या करते हैं, उसका वैल्यू नहीं करते। बस मिलेंगे बोलेंगे हाँ गुरु जी मेरा काम तो हो गया, ऐसा है आपका कृपा रही है सब रहा। और भी काफी लोग हैं जो आते हैं यहाँ पे फ्री काम करा के जाते हैं, उसके बाद ये भूल जाते हैं, फिर फोन करेंगे गुरुजी ये तंत्र हो गया, ये तंत्र हो गया। तो फ्री जितना मैंने काम किया है वो मुझे मालूम है। एक फूल वाला था, फूल वाला आया, उसके अंदर कुछ शमशान लगा था, फूल देवियां बांधी गई थी, फूल देता था, तो उसे हम फूल लेते भी नहीं थे, नींबू भी देता था। मैं नॉर्मली काम करने के लिए, आप सभी को मालूम है कि हम लेते हैं 5100 रुपए। उसका शमशान काटना था, शमशान काटने के लिए भी मैं लेता हूं 50 से 60 हजार रुपए लेता हूं, लेकिन उससे मैंने 1 रुपए नहीं लिया। ये कोरोना के वक्त जब मुझे नींबू की जरूरत पड़ा, क्योंकि नींबू मैं बलि में देता हूं, नींबू डेली मुझे देना पड़ता है, तो कहीं नींबू नहीं मिल रहा था, उस व्यक्ति से बोला गया कि नींबू लेके आओ। तो हालांकि उसे बोला गया वो लेके आया, वही व्यक्ति जहां पे नींबू का रेट होना चाहिए 3 रुपए, उसने 10 रुपए में 2 दिया है। सोचने वाली बात है, 10 रुपए में 2 नींबू, और घटिया नींबू के 10 रुपए। फिर भी कोई टेंशन नहीं, हमने 100 पीस मंगाया था, 100 पीस का दे दिया। उसके अंदर जरा सा भी शर्म नहीं रहा कि इतना बड़ा तंत्र काटने के बाद भी मैं उनसे, उनके स्टाफ से पैसे ले रहा हूं। कितने लोगों को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। जब वो हमें नहीं छोड़ते तो हम क्या करें। लाइफ चमत्कार दिखाना मेरा काम नहीं है, वो माता रानी का है। माता रानी ही लाइफ चमत्कार करती है, और महादेव करते हैं, नारायण करते हैं, दिनेश्वर महाराज की कोई औकात नहीं है। लेकिन दिनेश्वर महाराज के पास अनाप शनाप कमेंट करना और अनाप शनाप बातें करना, ऐसी हरकतें रहेगी आप सभी के, तो मुझे अफसोस होगा और बोलना पड़ेगा कि बिना पैसे का कोई कार्य नहीं होगा। अगर आपको वीडियो देखना है तो देखें, नहीं देखना है तो आपकी मर्जी। अपना काम करना चाहते हैं तो टोटका देखें, टोटका देखकर उसे करें, अन्यथा उम्मीद ना रखें कि बिना पैसे का काम होगा आपका। अब मैं नहीं करने वाला, प्यार बांट लिया, बहुत सोशल साइटों पे बहुत प्यार बांट लिया मैंने, और उस प्यार का कोई मोह नहीं होता, उस प्यार का कोई कीमत नहीं होता, ये सब मुझे समझ में आ गया है।
हाँ लाइव चमत्कार दिखाना है, जब भी लाइव आऊंगा मैं मूड में होता हूँ, लाइव चमत्कार जिस भी माता को बोलूंगा आप सबको जाके एहसास कराएगी, आप सबको फील होगा, आप सबके अंदर तंत्र होगा, तो वो बताएगा, सब सारी चीजें क्लियर होगा। पर उम्मीद ना करें प्लीज, मेहरबानी करें, ठीक है, उम्मीद ना करें। और कमेंट करने वाले लोग जितने भी हैं, जैसे भी हैं, जो मुझे चाहने वाला है उसको मैं नहीं, मेरी ऊर्जा उसकी साथ देगी। जो मुझे चाहने वाला है, जो बकवास करने वाले लोग हैं, उसे ऊर्जा तक टच नहीं करेगी। ठीक है, जय माता दी, जय भैरव।